हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ रियल ब्यूरत की ओर से। और यहाँ पे हम आए हैं महाराष्ट्र में, मलाड़। मलाड़ है ना जी? महाराष्ट्र में मलाड़ में ये 1+1 का जो ये मशीन जो है, ये लॉकडाउन की वजह से हम आ नहीं पाए थे। तो ये वीडियो कॉलिंग में हमने उसको बताया था ऐसे ऐसे फिटिंग करना है मशीन, तो उन लोगों ने अपने हाथों से ये मशीन फिटिंग किया है। फिर इसके बाद हम महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में आने के बाद उसको ये थोड़ा प्रैक्टिकल और ट्राई देने के लिए हम आ गए। तो हेलो सर, आपका नाम क्या है? जी इमरान शेख। इमरान शेख। इमरान शेख, आपका मशीन अभी कंप्लीट हो गया? मशीन तो कंप्लीट हो गया है। हाँ। और जैसा आपने वीडियो कॉलिंग में बताया था, हाँ हाँ, उसके हिसाब से हमने चालू किए थे मशीन। हाँ। प्रोडक्ट भी किए है। हाँ। प्रोडक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ। प्रोडक्ट में एक नंबर क्वालिटी आई, अच्छी क्वालिटी आई हुई है। खाली उसके अंदर थोड़ा सा हमारे हाथ से ऐसा हो गया था कि ये जो सरफ का जो बटन है, हाँ हाँ, ये ऊपर चले गया था। अच्छा। तो जो आपके कंपनी से जो इंजीनियर आए दोनों, उन्होंने हमको ये सीधा करके बताया कि भाई ये ऊपर नहीं रहता, ये नीचे रहता है। वो बना के दिया हमने, वो पूरा क्लियर करके हाँ। दिया आपने। और ये जो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था, हाँ। कंप्रेसर से ऊपर चढ़ता है, हाँ। क्योंकि हम इसको हाथ से ऊपर डाल रहे थे, हाँ हाँ। और मशीन से ऑटोमेटिक जा रहा है, वो हाथ से ऊपर डाल रहे थे। तो ये कंपनी के इंजीनियरों ने हमको बताया कि हाथ से नहीं डालना है, उसके अंदर बॉल आता है ऑटोमेटिक, ये 50 की लिमिट पे रखना है। हाँ हाँ। 50 की लिमिट पे रखने के बाद में ऑटोमेटिक सिर्फ ऊपर जाएगा। हाँ। और जब वो भर जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई नहीं करना है, ये उन्होंने बताया। उसके वास्ते उनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारे को वो बार बार हाथ से डालना पड़ रहा और ऊपर चढ़ के चेक कर रहा हूँ। तो अभी अभी ऐसा नहीं होगा, अभी अभी सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ऑटोमेटिक जाएगा। अभी ऑटोमेटिक जाएगा, इंजीनियर ने ठीक कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद ने फिटिंग उनके हाथ से करके दी। हाँ, है ना। हाँ। ये इसलिए। और ये जो सिलेंडर है, हाँ, जो गैस तैयार करता है, इसका स्पीड भी उन्होंने बराबर उनके हाथ से 100 करके दिया है। 100 का स्पीड रख के दिया है उन्होंने उनके हाथ से, क्योंकि हमारे हाथ से वो ज्यादा कम हो रहा था। और कैसे उसको यूज करना है, घड़ी को, बोतल को कैसे बंद करना है, खोलना है। और ये जो ढक्कन लगा रहे थे हम इसके अंदर, ये हमारे से थोड़ा बेंड हो जा रहा था। हाँ। जैसे बोतल पकड़ते नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट है। हाँ। तो वो इंजीनियर ने बताया हमको कि उसको ये ढक्कन कैसे लगाने का, कितने इसमें पकड़ने का, 1-2, उसके बाद मतलब निकल जाएगा। इंजीनियर ने भी बताया कि ढक्कन कैसे लगाना है, क्या करना है, पूरा बताया हमको, मशीन कैसा ऑपरेट करना है। हाँ। इसकी लिमिट कितनी रखनी है। हाँ। ये कितना रखना है, उसके बाद में क्या इसको कब चालू करना है, ये बोले। हाँ। जो बटन है, ये जो पानी कूलिंग करता है, उसके बाद में बर्फ जम जाता है, तो बर्फ ना जमे उसके वास्ते उन्होंने बोले ये बटन कंटिन्यूटी चालू रखना है, सबमर्सिबल पंप का। हाँ, सब का उसको ये चालू रखना है कंटिन्यूटी। और बाकी तो सब माशाल्लाह हो गया। वो लोग आए, उन्होंने चेक करके लिए पूरा मशीन, देखे उन्होंने भी, दोनों इंजीनियर ने वो जो आए, और उन्होंने 2-3 ऐसा ये बना के बताया हमको, बॉटल भी बनाकर यहाँ पर बताया कि आप ऐसा करो ऐसा करो, और इसके अंदर से जूस निकलेगा, एक के अंदर से सोडा निकलेगा, एक के अंदर से सिरप निकलेगा, ये पूरा उन्होंने बताया। उनका बहुत बहुत हार्दिक ऐसा ये करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत दिल से एकदम, कि हमारे वास्ते इतने दूर से वक्त काट के आए वो लोग, और हमारे मशीन का हमको पता किया गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बंद था मशीन बहुत दिन, ज्यादा टाइट लॉकडाउन था। अभी लॉकडाउन थोड़ा खोले है, सवेरे 7 से 11 तक, तो उन्होंने वो बीच में आके बरोबर हमारे को टाइम दिए। टाइम देने के बाद में उन्होंने हमारे को मशीन पूरा बताया, जो हमारे हाथ से गलती हुई थी, जो मोटर के बटन ढीले थे, उन्होंने बरोबर सब टाइट फिट करके दिया उनके हाथ से। इसके वास्ते उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके आने का, हमारे वास्ते वक्त देने का और बताने का। और आपने ये जो क्वालिटी का जो स्ट्रांगनेस है सोडा का, वो कैसा है? अभी हमने जो बनाए थे तो वो सोडा समझो थोड़ा बहुत तो ये था, अब उन्होंने जो बनाए था कम से कम 8-10 बोतल जो उन्होंने बनाए सोडे, उसके अंदर स्ट्रांगनेस जरा अच्छी हो गई। तो हमको बस उनके नक्शे कदम जैसा उन्होंने बताए वो हिसाब से हमारे को उसके अंदर काम करने का है बस। उन्होंने जो सोडे का बताया मात्रा, जो उन्होंने सिरप की मात्रा बताए, क्योंकि हमारा सिरप थोड़ा मीठा और घट है, तो उन्होंने क्या बोले वो हिसाब से तुम इतना सोडा इतना सिरप यूज करो और सोडे का पावर इतना रखो, इंशाल्लाह। सोडा और लिक्विड कितना कितना रखना है उसका भी आपको बताया और सेटिंग करके दिया। सेटिंग करके दी दी उन्होंने, क्योंकि हमारा सिरप जो है वो गाढ़ा है थोड़ा, कुछ सिरप पतले रहते कुछ कैसे रहते, तो हमारा थोड़ा गाढ़ा सिरप है, इसलिए उन्होंने बताया कि उसकी मात्रा इतनी से इतनी ही रखना है, तो उसमें मीठा भी होगा और स्ट्रांग भी होगा, और सोडे की भी लिमिट बता के दी थी उन्होंने इतना। और इतना ये प्रोटेक्शन किया है ना,
ये इतना प्रोडक्शन किए है, हाँ, इतना निकल के निकाल कर कर दिए वो लोग थे यहाँ पर। इसमें से कोई भी एक बोतल ले लो, एक बोतल ले लो इसमें से, इसमें जरा खोल के दिखाओ उधर, तो बोतल को सीधा रखो, सीधा रखो, खोलिए, दूसरा बोतल ले लीजिए, सीधा रख के खोलो, सीधा रख के, सीधा मेरे को दिखाइए कैसा स्ट्रॉन्गनेस। अभी तो आप खुद देख रहे हैं कैसे स्ट्रॉन्गनेस है, पूरा मुझे गिल्ला कर दिया आपने, पूरा चिकट कर दिया, गिल्ला गिल्ला कर दिया। तो देखिए, अगर आप भी अगर रियल बेवरेज से अगर मशीन लेना चाहते हैं तो हमारा हमारी कंपनी से, रियल बेवरेज से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू रियल बेवरेज।